अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। लेट्स स्टार्ट विद वर्ड्स मीनिंग। फर्स्ट है सर्कुलेटरी सिस्टम, दौरान निज़ाम। नंबर 2 मस्क्यूलर, पट्ठे। नंबर 3 वीन्स, रगें। नंबर 4 कार्डियक मसल, कल्बी पट्ठे। नंबर 5 आर्ट्रिया, दिल की रगें। नंबर 5 इज़ आर्ट्रिया। आर्ट्रिया का मतलब है दिल की रगें। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स। द हार्ट इज़ अ मस्क्यूलर ऑर्गन। हार्ट हमारा मस्क्यूलर ऑर्गन है। नंबर 2 द हार्ट इज़ मेड अप ऑफ ए स्पेशल काइंड ऑफ मसल्स कॉल्ड कार्डियक मसल्स। हार्ट हमारा जिन मसल्स से बना हुआ होता है उन स्पेशल काइंड ऑफ मसल्स को कहते हैं कार्डियक मसल्स। नंबर 3 द एवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। प्लांट्स की जो एवेपोरेशन होती है, मतलब लीव्स से जो प्लांट एवेपोरेट होते हैं, उसको ट्रांसपिरेशन कहते हैं। वीन्स कैरी ब्लड टू द हार्ट। हार्ट में हमारा ब्लड जो पहुँचाती हैं वो वीन्स पहुँचाती हैं। नंबर 5 टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ द लीव्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। लीव्स की सरफेस पे जो टाइनी पोर्स होते हैं, छोटे छोटे सुराख होते हैं, पोर्स होते हैं, उन्हें स्टोमेटा कहते हैं। नाउ कम टू द ट्रू फॉल्स। द ह्यूमन हार्ट हैज़ 3 चैम्बर्स। ह्यूमन हार्ट में 3 चैम्बर्स होते हैं। ये फॉल्स है क्योंकि ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं। नंबर 2 आर्टरीज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। आर्टरीज जो हैं वो ब्लड को हार्ट से लेके जाती हैं, तो ये ट्रू है। वीन्स कैरी ब्लड टू द हार्ट। वीन्स ब्लड हार्ट में लेके जाती हैं, येस दिस इज़ ट्रू। हार्ट इज़ मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स। हार्ट जो है वो स्मूथ मसल से बने होते हैं। ये फॉल्स है क्योंकि हार्ट कार्डियक मसल से बने होते हैं। नंबर 5 फ्लोएम इज़ अ टिश्यू विच इज़ मेड अप ऑफ ट्यूब्स। फ्लोएम टिश्यू ट्यूब्स से बना हुआ होता है, ये फॉल्स है। नाउ एमसीक्यूज। नॉर्मली द ह्यूमन हार्ट बीट्स अबाउट 10 टाइम्स इन अ मिनट। एक मिनट में ह्यूमन हार्ट 70 टाइम्स बीट करता है। नंबर 2 द एवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम लीव्स इज कॉल्ड डैश। वाटर की एवेपोरेशन लीव्स से जो होती है वो डैश कहलाती है, वो ट्रांसपोर्टेशन कहलाती है। नंबर 3 जाइलम इज़ अ टाइप ऑफ वास्क्यूलर टिश्यूज थ्रू विच डैश ट्रांसपोर्टेड। जाइलम के जरिए वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्ट होती हैं, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। नेक्स्ट ट्रांसलोकेशन इज़ अ मूवमेंट ऑफ डैश इन्फ्लुएंस। ट्रांसलोकेशन फूड की मूवमेंट है फ्लोएम के जरिए। फ्लोएम के जरिए फूड कैरी होता है पूरे प्लांट बॉडी में, तो उसको ट्रांसलोकेशन। लास्ट द ट्रांसपोर्ट ऑफ फ्रूट टू द लीव्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड डैश। फूड की जो ट्रांसपोर्ट होती है पूरे प्लांट की बॉडी में वो डैश कहलाती है। मसल्स होते हैं वो पंप ट्रांसपिरेशन कहलाती है, पंप करता है। दैट सर्कुलेट्स फ्लूड ब्लड थ्रू आउट द बॉडी, जो कि ब्लड को हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। क्वेश्चन नंबर 2 व्हाट इज़ द हार्ट मेड ऑफ। हार्ट किस चीज़ से बना होता है। आंसर है द हार्ट इज़ मेड अप ऑफ स्पेशल काइंड ऑफ मसल्स कॉल्ड कार्डियक मसल्स। हार्ट एक स्पेशल काइंड के मसल्स से बना होता है। उसके एक स्पेशल तरह के मसल्स होते हैं जिन्हें हम कार्डियक मसल्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ हार्ट। हार्ट का फंक्शन क्या है। द फंक्शन ऑफ हार्ट इज़ टू पम्प द ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड ऑल्सो रिसीव्स ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। हार्ट का फंक्शन ये है कि वो पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई करता है, ठीक है, पंप को ब्लड को पंप करता है और पूरी बॉडी तक, और ब्लड को रिसीव करता है फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, बॉडी के तमाम पार्ट से। क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट इज़ हार्ट बीट। हार्ट बीट क्या है। आंसर वन कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इज़ कॉल्ड हार्ट बीट। आप लोगों ने फील किया होगा कि हमारा दिल जो है, हमारा हार्ट जो है वो जब हाँ बीट करता है तो उसमें एक वॉइस आती है धक धक की, ठीक है, तो उस वो जो पूरी उसकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है उसको कहते हैं हार्ट बीट, ठीक है। नाउ लास्ट क्वेश्चन हाउ मेनी टाइम्स डज द हार्ट नॉर्मली बीट। कितनी दफ़ा हमारा हार्ट जो है वो नॉर्मली बीट करता है, धड़कता है। द हार्ट नॉर्मली बीट्स अबाउट 7 to 72 टाइम्स पर मिनट व्हेन यू आर रेस्टिंग। जब आप रेस्टिंग पोजीशन पे हों, जब आप कोई काम नहीं कर रहे हों, तो आपका दिल, आपका हार्ट जो है वो पर मिनट, एक मिनट में 70 से 72 टाइम्स धड़कता है। थैंक यू।